Assalamu alaikum. My name is Javed Balawan. Airline Reservation System on ASP.net MVC में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिन लॉगिन. मैंने कोर फर्स्ट की एंटिटीज बनाई थी और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई यूज़र और एडमिन दोनों अलग अलग जो है वो एंटिटीज़ के थ्रू लॉगिन करें. तो इस पर्पज़ के लिए जो है मैंने यहाँ पे जो एंटिटीज जो बनाई थी उसमें एडमिन के लिए अलग से जो है वो एडमिन के लिए हमने अलग से जो है वो एंटिटीज़ बनाई थी जिसमें नाम रखा था एडमिन लॉगिन का, और यूज़र के लिए अलग से रखी थी जिसका यूज़र अकाउंट रखा हुआ था. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही एडमिन लॉगिन हो जिसमें यूज़र भी हो यानी रोल बना के हम काम करें, तो वो उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ आइसक्रीम पार्लर की एप्लीकेशन में. ये जैसे हमारे पास आइसक्रीम पार्लर की नंबर 4 वाली जो एप्लीकेशन है इसमें मैंने जो है वो एडमिन और यूज़र दोनों को एक ही लॉगिन के साथ रोल चेक करते हुए मैंने लॉगिन करवाया था. तो अगर कोई एक ही से करना चाहता है कि भाई एक ही टेबल हो जिसमें यूज़र भी लॉगिन करे और एडमिन भी उसी से लॉगिन करे और फिर एक रोल हम बना लें और जितने भी हमारे पास रोल की टाइप्स हों उन सबको हम एक ही टेबल के थ्रू लॉगिन कराना चाहें, तो फिर आप इसको विज़िट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा. लेकिन इस एप्लीकेशन में मैं एडमिन का लॉगिन के लिए अलग मैंने एंटिटीज़ बनाई थी क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स के लिए अलग से एंटिटीज़ बनाई थी. तो अब हम जब अलग अलग काम करेंगे तो फिर देन इस एप्लीकेशन में देखिएगा, अगर एक ही टेबल पर काम करना चाहें तो उस एप्लीकेशन में देख लीजिएगा. तो मैंने यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर जो लास्ट क्लास में मैंने बनाया था और सिंपल मैंने यहाँ सिर्फ आपको व्यू अटैच करना सिखाया था, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने लॉगिन के लिए एक सिंपल लॉगिन का मेथड बना लिया था और फिर उसको हमने व्यू बना के और मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे क्लिक करें तो व्यू हमारा राइट हैंड साइड पर आ जाए. तो जो लास्ट रिकॉर्डिंग में हुआ था जो आपने देख ली होगी, और जैसे ये नंबर 3 वाली में टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन जो कल की चल मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसमें मैंने जो है वो ये व्यू अटैच किया था लॉगिन का. तो आज मैं इसको चेंज कर लूँगा क्योंकि लॉगिन भी दोनों अलग अलग है, तो नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ. मैं इसको एडमिन लॉगिन कर देता हूँ और इसके व्यू की फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं व्यू हटा दूँगा क्योंकि मैं इसका अलग से व्यू बनाऊँगा. तो अगर हम इसको अटैच करना चाहते हैं तो देखें क्या स्टेप्स होंगे. सबसे पहले तो मुझे उस अपनी क्लास को एक्सेस करना है, तो उसकी जो लाइब्रेरी है वो अलग है क्योंकि मॉडल्स की लाइब्रेरी अलग होती है, कंट्रोलर की लाइब्रेरीज अलग होती है. तो हम पहले तो मॉडल्स की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, और हमने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट सॉरी यूजिंग एप्लीकेशन का नाम है हमारे पास सिस्टम डॉट, मैं मॉडल्स की लाइब्रेरी कॉल करूँगा. जब हम मॉडल्स की लाइब्रेरी कॉल करेंगे तो इसका मतलब है कि अब मैं जो है वो एडमिन लॉगिन के अंदर जो मैंने यहाँ पे एडमिन लॉगिन के नाम से क्लास बनाई थी उसको मैं कॉल कर सकता हूँ. तो उसको हम कॉल करेंगे अपने इस एडमिन लॉगिन के मेथड के आर्गुमेंट में. तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ जब हमने मेथड नाम रखा एडमिन लॉगिन, तो मैं यहाँ पर पहले तो दो बनाऊँगा. एक तो मैं सिंपल बनाऊँगा HTTP गेट के लिए, जो हम ना भी लिखे तो बाई डिफ़ॉल्ट HTTP गेट होता है, और एक और मेथड बनाऊँगा HTTP पोस्ट के नाम से सॉरी, और यहां मैं दे दूंगा HTTP पोस्ट और मैं इसी मेथड को रिपीट कर देता हूं, और इसके आर्गुमेंट को चेंज करते हुए जो मैंने एडमिन लॉगिन के नाम से क्लास बनाई थी वो मैं यहां पे पास कर देता हूं. मैंने L के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना दिया. अच्छा, अब दूसरा मैंने कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास बनाई थी, कॉन्टेक्स्ट CS की जो मैंने क्लास बनाई थी, तो कॉन्टेक्स्ट CS की क्लास के अंदर मैंने एडमिन लॉगिन्स के नाम से DJ मेरी पहली रिकॉर्डिंग में था वहाँ में मैंने DB सेट की एंटिटी को यूज़ करते हुए मैंने एडमिन लॉगिन्स के नाम से लेयर बनाई है. तो उसके लिए मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा. कॉन्टेक्स्ट CS के नाम से क्लास है मेरे पास, तो फिर मैं यहाँ पर आके कॉन्टेक्स्ट CS की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो हमने कहा कॉन्टेक्स्ट CS की क्लास है हमारे पास, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लूँगा. किसी भी नाम से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि हमें डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल्स तक एक्सेस देगी. ठीक है जी, लॉगिन का कोड करना चाहते हैं, सिंपल लॉगिन का कोड है वही जो मैंने उसमें भी कराया था, हम कंटिन्यू कराता आ रहा वही कोड बनेगा. हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया किसी भी नाम से, और इसके बाद मुझे यहाँ कंडीशन लगानी है. तो मेरे पास मैं उस क्लास में जिसमें गेट और सेट के मेथड मैंने लगाया हुआ एंटिटीज बनाई हुई है, तो उसके थ्रू मैं L के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मैं एक्सेस करूँगा. और लेकिन मुझे डेटाबेस के टेबल्स तक एक्सेस करना है, तो मैंने जो C का ऑब्जेक्ट बनाया है ये मुझे डेटाबेस के टेबल्स तक लेके जाएगा. तो मैं क्या लिखूँगा, मेरा var x इक्वल टू uh,
तो हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दो तरीके पे आप लेगा तो यहाँ पे आप फ्रॉम का कीवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप फ्रॉम का कीवर्ड लगाना चाहते हो तो वो कोड भी आप जब मैं आप बोले तो मैं वो करा देता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन वाला काम एक लाइन में होता है। फ्रॉम का कीवर्ड लगाना चाहें तो फ्रॉम का कीवर्ड लगा सकते हैं। सामने का फ्रॉम ए इन और सी डॉट लॉगिन के टेबल को मैं एक्सेस कर दूंगा। और उसके बाद फिर जो है मैं वेयर का क्लाउज लगा लेंगे और वहाँ पे हम मैच कर लेंगे। अगर हम ये वाला कोड करते हैं तो मैं हमें एनी ANY के नाम से एक मेथड मिलता है जो कि बूलियन मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला भी एक तरीका होता है हमारे पास। और दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल एक ही लाइन का कोड करना चाहता हूँ जैसे मैं उसमें किया हुआ है, तो फिर हमें यहाँ पे आके डायरेक्टली मैं सी को यूज़ करूँगा। और मैंने कहा सी डॉट, और हमारे पास जो मैंने क्लास रखी थी एडमिन लॉगिन्स के नाम से, लॉगिन्स के नाम से मैंने लेयर बनाई थी, तो उसके साथ हम यहाँ पे वेयर लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे आके हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने ए के नाम से ले लिया, या हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का साइन लगाया, तो इसका मतलब अब ये ऑब्जेक्ट बन गया एडमिन लॉगिन्स की क्लास का यानी लेयर की क्लास का। तो इसके ज़रिए से मैं मैच करूँगा ए डॉट, और मुझे मैच करना है एडमिन नेम को, ठीक है। हमने कहा ए जो एडमिन नेम, और चाहो तो मैं डॉट इक्वल्स का मेथड भी लगा सकते हैं, और चाहे तो हम दो दफ़ा इक्वल भी लगा सकते हैं। किससे मैच करेंगे? अपनी एंटिटी से, जिसका ऑब्जेक्ट मैंने एल के नाम से बनाया है। तो मैं लिखूंगा एल डॉट एडमिन लॉग एडमिन नेम, और फिर यहाँ पे दूसरा पासवर्ड मैच करना चाहते हैं तो फिर हम एंड लगाएंगे। और फिर इसी तरह से हमने कहा ए डॉट एडमिन ए डॉट पासवर्ड, तो हम भी दो दो इक्वल लगाना चाहे तो दो दो इक्वल करके मैच कर सकते हैं, और अगर चाहे तो डॉट इक्वल्स लगाना चाहते तो इक्वल्स भी लगा सकते हैं। दोनों आपके पास तरीके होते हैं काम करने के, तो किसी भी एक तरीके को अपना लेंगे। और इसको भी मैच करूंगा एंटिटीज के साथ, तो मैं लिखूंगा एल डॉट पासवर्ड, ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने आपको लास्ट आइसक्रीम वाली पार्लर की एप्लीकेशन में बताया था कि यहाँ पे हम जो है चाहें तो यहाँ पे सिंगल और डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और चाहे तो डॉट टू लिस्ट भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल और डिफॉल्ट लगाना चाहो तो ये मेथड आपके मौजूद है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट और डिफॉल्ट के लिए ये मेथड मौजूद है, ये भी चलेगा। और अगर आप सिंपल यहाँ पे डॉट टू लिस्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा। तीनों कोड चलेंगे सॉरी तीनों मेथड चलेंगे। फ़र्क क्या होता है बेसिकली इसमें, कि अगर एक मिसाल है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सेम नाम की दो रोज बनी हुई है, जैसे मैंने आइसक्रीम पार्लर में वो करके दिखाया था, तो अगर दो रोज बनी हुई है तो आपने डॉट डॉट टू लिस्ट कर दिया तो सो दोनों रोज कैप्चर हो जाएंगे। तो अगर मैं सेशन पास करता हूँ, मैं वैल्यू देता हूँ, तो वहाँ पे फिर एरर आ जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट कर दिया तो इसका मतलब है जो अगर एक नाम से अगर एक से ज़्यादा रोज़ बनी हुई है, जैसे यूज़र आईडी भी सेम है, पासवर्ड सेम है, तो वो क्या करेगा, पहले वाले को पकड़ेगा, दूसरे वाले को जगह रीड ही नहीं करेगा, ताकि उसको सेम भी मिलती है। जो दोनों तरीके मौजूद हैं, अगर हम डॉट टू लिस्ट करना चाहें तो वो भी हम देख लेंगे, नहीं तो अगर हमने यहाँ पे कहती है हमने कहा डॉट अब फर्स्ट और डिफॉल्ट तो वो भी चल जाएगा, दोनों तो चल जाएंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, डॉट टू लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको सिंपल चेक करूँगा। अब मैं लिखता हूँ इफ एक्स नॉट, या यू भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं, या ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं, चाहे तो ग्रेटर देन जीरो भी किया जा सकता है, कि अगर जीरो से बड़ा होता है इसका मतलब है कोई भी एक उसको मिल गई है, एक वैल्यू उसको मिल गई है। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, हमने कहा नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हम मैच कर सकते हैं, दोनों तरीके मौजूद हैं। तो देन उस सूरत में क्या करें? अच्छा बेसिकली यहाँ पे वो एक्स को या नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल करके चेक कर लें, ठीक है ना, वो स्ट्रिंग क्या कह रहे हैं, तो यूँ चेक कर लेते हैं कि अगर नल नहीं होता इसका मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड उसको मिल गया, एक्स के अंदर वैल्यू चली गई, तो इसका मतलब वो रो चली गई, तो इसका मतलब वैल्यू मिल गई, तो उस नल को चेक कर लेगा। मैंने जब जीरो लगाया था तो वो कह रहा था कि इंटीजर है जीरो, और इंटीजर जीरो को मैच करने में उसने एरर दे दिया था, तो फिर हमने यहाँ पर नल करके इसको रोक दिया। अगर मिल जाता है तो फिर देन क्या करना है, तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक और व्यू बना लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ, और मैंने कहा पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड।
और इसको मैं सिंपल रिटर्न व्यू कर देता हूँ। और इसके ऊपर मैं व्यू क्रिएट करने के लिए इसमें राइट क्लिक करके और मैं सिर्फ एडमिन लेआउट इसको पास कर देता हूँ, तो मैं एम्प्टी खाली बनाऊँगा। हमने डैशबोर्ड नाम रख दिया, एम्प्टी का ब्लैंक बना दिया। और यहाँ पे मैं एडमिन लेआउट जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, एडमिन लेआउट जो मैंने बनाया था, मैंने उसको उसको लेआउट पेज उसको एक्सेस दे दिया उसको उसको यूज़ करने के लिए। तो उसको ऐड कर लेते हैं तो डैशबोर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम दोबारा अपने पेज पे आते हैं। अब मैं इसको अगर लॉगिन हो जाता है तो इसको मैं इस व्यू पर ले आऊँगा। तो मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन हम यूज़ करेंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। और चूँकि इसी कंट्रोलर के अंदर ही वो व्यू मौजूद है डैशबोर्ड का, तो मैं इसको यहाँ पे मुझे कंट्रोलर का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ व्यू का नाम यहाँ दे दूँगा। ठीक है जी, अगर वो किसी और कंट्रोलर में होता है तो फिर हम कंट्रोलर का नाम देते हैं और साथ में फिर हम जो है वो स्लैश लगा के अपने व्यू का नाम देते हैं, जो बाकी में तमाम रिकॉर्डिंग में अक्सर ही कर चुका हूँ। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे। अगर इसका मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा तो देन उस सूरत में जो है वो डैशबोर्ड पे ले जाएगा, और अगर नहीं मैच होता तो देन एल्स। तो फिर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा हमने इसको चाहे तो रिटर्न व्यू कर दो या फिर हम जो है वो इसके साथ एक मैसेज भी पास कर देते हैं। और रिटर्न भी तो हमने वैसे किया हुआ है सिंपल। अब इसकी जगह पे मैं जो है वो व्यू बैग डॉट एम एक मैसेज पास कर देते हैं। हमने कहा रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो इसका मतलब है अगर नहीं होगा तो वो इस ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे एम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, जिसको हम वहाँ पे व्यू के अंदर अपने व्यू में कॉल कर लेंगे। अगर होगी वैल्यू तो वैल्यू पास करेगा, नहीं होगी तो कुछ भी पास नहीं करेगा। ठीक है जी, अच्छा तो यहाँ पर आके हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं इसका व्यू बनाता हूँ। इसका व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने किसी भी एडमिन लॉगिन पे राइट क्लिक करना है, हमने ऐड व्यू करना है। और मैं इसका व्यू बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से हम जो है वो इसका जो टेम्पलेट लेंगे वो मैं क्रिएट कर ले लेता हूँ। क्यों लूँगा क्रिएट का, इसलिए कि मुझे यूज़र नेम भी चाहिए, मुझे पासवर्ड भी चाहिए, साथ में टेक बॉक्स भी चाहिए। यानी यूज़र नेम पासवर्ड भी लिखा और साथ में जो है टू टेक बॉक्सेस भी हों और एक बटन भी चाहिए, तो वो फिर हमें जो टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट जो है हमारे पास क्रिएट का होता है वही हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बाकी टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, जैसे डिटेल्स का हो गया, डिलीट का हो गया, एडिट का हो गया, वो हमें इस तरह का लेआउट पास नहीं करता। ठीक है, लेकिन चूँकि हमारे इस मेथड के थ्रू बन रहा है तो इस मेथड में मैंने कुछ सेव तो नहीं करा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लॉगिन को चेक करा रहा हूँ, तो हमें तो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ लेआउट यहाँ पर देगा। और लेकिन जो प्रोग्रामिंग हमारी कोड चलेगी वो तो इस मेथड की चलेगी। तो इस तरह मैं मॉडल क्लास दे देता हूँ, मैंने मॉडल क्लास इसको दे दिया एडमिन लॉगिन की। और इस एडमिन लॉगिन के अंदर जो मैं एंटिटीज मैंने बनाई थी कॉन्टेक्ट सी एस, मैं कॉन्टेक्ट सी एस इसको पास कर देता हूँ। हम यहाँ भी आके ऐड का बटन प्रेस कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने इसको लेआउट जो है वो बेसिकली इसको दे दिया मैंने एडमिन का। तो आप यहाँ पे चाहो तो इसको लेआउट नल भी कर सकते हो, ठीक है जी, और चाहो तो आप इसको लेआउट को यहाँ से बंद हटा दो, कमेंट कर दो, हमें लेआउट इस पर नहीं चाहिए। ठीक है जी, अच्छा दूसरी बात, अब जैसे रेड मार्क आ रहा है तो आप कंट्रोल शिफ्ट भी करके कंपाइल कर लें तो रेड मार्क आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर अब मैं दिखा दूं कि अब क्या बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडमिन नेम आएगा हमारे पास, और एडमिन नेम के साथ हमें एक टेक बॉक्स पास करेगा। और इसी तरीके से पासवर्ड लिखा हुआ आएगा, जो हमने वहाँ पे लिखा था, जो भी डिस्प्ले नेम वगैरह जो भी दिया होगा वो हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे टेक बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे टेक बॉक्स के अंदर हमने जो है वो एडिटर यूज़ हुआ है और मॉडल डॉट पासवर्ड हमें इससे मैच हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह बटन मिलेगा जिस पर क्रिएट लिखा होगा, मैं क्रिएट की जगह से लिख देता हूँ लॉगिन। और इसी तरीके से HTML जो एडिटर फोर हमारे पास आ रहा है तो मैं इसकी जगह पासवर्ड फोर दे देता हूँ, ताकि जो हमारे पास जो शो होगा वो पासवर्ड करेक्टर में शो होगा। तो हमने कहा पासवर्ड फोर इसको दे दिया, ताकि जो शो होगा वो पासवर्ड करेक्टर में शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया इसको। ठीक है जी, अब मैं इसमें एक रिकॉर्ड भी डाल देता हूँ। हमने यहाँ पे जो एंटिटीज़ क्रिएट की थी, जो हमने माइग्रेशन के थ्रू मैंने इसमें एंटिटीज़ क्रिएट की थी पहली वाली रिकॉर्डिंग में, तो उसमें मैं आके जो है वो यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस का नाम दिया था वो मैंने दिया था ARSYS।
तो आई थिंक मैंने शायद ये एप्लीकेशन दूसरे से मैंने माइग्रेशन यूज़ नहीं की थी, तो ARSIS के नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो या तो माइग्रेशन करना चाहे तो माइग्रेशन भी कर सकते हैं, माइग्रेशन उस डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं। और अगर मैं इसको कंट्रोलर रन करूँगा और रिकॉर्ड सेव वगैरह करने के लिए, तो उस सूरत में भी वो डेटाबेस और टेबल खुद ही क्रिएट कर देगा। तो दोनों हमारे पास रास्ते होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने एडमिन लॉगिन बनाया हुआ है, कंट्रोलर जो बना हुआ है, उसी कंट्रोलर ही को यूज़ कर लेते हैं और फिर जब देखते हैं कि वो क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, मैं रन कर लेता हूँ उसको। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आके हमने कहा स्लैश एडमिन, और मैंने कहा एडमिन के अंदर एडमिन लॉगिन के नाम से मैंने मेथड बनाया हुआ, मैंने वो कॉल कर दिया। ठीक है जी, एडमिन लॉगिन से मैं शो कर दिया। अब हमने जो डेटाबेस का नाम क्रिएट किया था, जो हमने जो वेब डॉट कॉम फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग में पास किया था डेटाबेस को, तो ये हमने जिसका नाम रखा था ARSIS के नाम से मैंने रखा है। तो मैं एसक्यूएल सर्वर में जाके देखता हूँ क्या ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेफिनेट क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि जब हम कंट्रोलर बनाते हैं तो उस सूरत में भी ये डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर देता है, या फिर हम माइग्रेशन करना चाहें तो माइग्रेशन कर लेते हैं। तो मैं जो उसकी पहली रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें मैंने एंटिटीज बनाई थी, वो मैंने माइग्रेशन की थी और माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस बनाया था। लेकिन बाद में मैंने फिर एप्लीकेशन दूसरी बना के, और मैंने इसमें जो एंटिटीज मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, क्योंकि मैंने लेआउट इम्प्लीमेंट किया था तो दूसरी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया था मैंने। तो देन अब मैंने माइग्रेशन नहीं किया है, लेकिन जैसे हमने कंट्रोलर बनाया और कंट्रोलर मेरा रन हो गया, तो देन उस सूरत में ऑटोमेटिकली डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर देता है वो। तो यहाँ पर आके हम इसको देखते हैं ARSIS के नाम से, ऐसे नहीं बनाया। नॉर्मली हम क्रिएट वगैरह के लिए बनाते हैं तो फिर तो उसका लाजमी डेटाबेस टेबल क्रिएट कर देता है, तो अभी उसने नहीं क्रिएट किया इसको। तो माइग्रेशन यूज़ कर लेते हैं, माइग्रेशन के थ्रू उसको कर लेते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, अभी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे आके माइग्रेशन को इनेबल कर देता हूँ। एक्चुअली हमने जो कंट्रोलर बनाया था, वो जो कंट्रोलर बनाया वो लॉगिन का बनाया, वो ना क्रिएट वगैरह करनी है। अगर उसमें क्रिएट का बनाया, आप जो स्कैफोल्डिंग यूज़ कर ले, आप अगर स्कैफोल्डिंग जैसे में रखिए, अगर आप स्कैफोल्डिंग यूज़ करते हैं और उसमें आप क्रूड ऑपरेशन करते हैं, तो फिर आपको माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एप्लीकेशन रन होती है, डेटाबेस और टेबल खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। अगर स्कैफोल्डिंग की होती है और उसके अंदर पूरा क्रूड ऑपरेशन किया होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑपरेशन किया होता है, तो फिर डेटाबेस और टेबल खुद ही क्रिएट हो जाता है। जैसे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं खुद ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग जो है वो या बेसिकली हम लोग जो है वो लॉगिन का मैंने बनाया था, तो इसके होल्डिंग मैंने की नहीं है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑप्शन नहीं हुआ हुआ है, तो इसलिए डेटाबेस टेबल क्रिएट नहीं किया। तो फिर माइग्रेशन के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आके हमने कहा इनेबल डैश माइग्रेशंस, तो हम माइग्रेशन यहाँ पे इनेबल करूँगा मैं। ये एरर दो सूरतों में आते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने CS को मैच किया हुआ है, वेब कॉन्फिग फाइल में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनी हुई है, प्रोवाइडर नेम भी सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट ही आ रहा है।
चीज के दे रहा है। कमांड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एंटिटी फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल ही है सर। माइग्रेशंस पे एरर दे रहे हैं, माइग्रेशन को इनेबल नहीं कर रहा और माइग्रेशन यहाँ पे इनेबल है भी नहीं। मैं इसके फोल्डिंग के थ्रू कंट्रोलर बनाता हूँ और फिर उस कंट्रोलर पे हम देखते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी काम तो करना ही है और मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन का बना लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके फोल्डिंग यूज़ कर लेता हूँ और यूज़र के लिए हमें जो यूज़र अकाउंट्स बनाया था मैं उसी पर इंसर्ट अपडेट डिलीट का बना लेता हूँ, ठीक है जी। ताकि हम देखते हैं कि, और यहाँ मैं इसको यूज़र लेआउट दे देता हूँ, ठीक है जी, इसको ऐड कर लेते हैं यूज़र अकाउंट्स के नाम से कंट्रोल होने का। अगर इसके होल्डिंग में एरर देगा किसी मतलब एंटिटीज में कोई इशू होगा तो इसके होल्डिंग में एरर दे देगा। अगर वो बन जाती हैं तो फिर के बन गए ना, तो अब मैं यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स ओपन करता हूँ। स्लैश यूजर के अंदर यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट्स कंट्रोलर, यूजर अकाउंट्स के नाम से कंट्रोलर है, डायरेक्टली बना यूजर का नहीं है। अब ये डेटाबेस टेबल क्रिएट करेगा, तो अगर माइग्रेशन नहीं होगी तो ये तरीका एक दूसरा होता है। ठीक है जी, यूज़र अकाउंट्स के अंदर हमने स्लैश क्रिएट का जो मेथड है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर जावेद ABC 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
age. एन आई सी के लिए मैंने जो वैलिडेशन लगाई है इसको देख लेते हैं क्या वैलिडेशन लगी हुई है। अब यहाँ पे हम डेटाबेस के देखते हैं, डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा, ये देखें डेटाबेस क्रिएट हो गया। माल मकसद डेटाबेस क्रिएट करना था, ये तो रजिस्ट्रेशन मैंने वैसे ही बनाया था क्योंकि माइग्रेशन इस पर चल नहीं रही थी। तो अगर ऐसे कभी इशू आता है कि माइग्रेशन नहीं चल रहे तो फिर आप इस तरह से कंट्रोलर बना लिया करें। और माइग्रेशन की देखें, हम बेसिकली मैं आपको इनमें फ़र्क बता दूँ माइग्रेशन हम क्यों बनाते हैं। देखिए आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, उस एप्लीकेशन में मैं एक एंटिटीज़ बनाता हूँ और मैं उस एंटिटीज़ को चेक करना चाहता हूँ कि आया मेरी एंटिटीज़ सही बनी है, रिलेशनशिप सही बना है, तो देन उस सूरत में हम माइग्रेशन करते हैं। उस वक्त हम कंट्रोलर नहीं बना रहे होते, हमें सिर्फ एंटिटीज़ को चेक करना होता है। तो फिर हम माइग्रेशन यूज़ करते हैं और माइग्रेशन के ज़रिए से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। फिर उस टेबल में हम कोई चेंजिंग करनी होती है, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना, और या फिर हम टेबल ऐड करना चाहते हैं, नई एंटिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम माइग्रेशन के ज़रिए से हैंडल करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो मैंने किया भी है, इसकी जो पहली रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने एंटिटीज़ बनाई है, मैंने माइग्रेशन यूज़ किया और सारे टेबल जो बने हुए हैं वो माइग्रेशन के थ्रू ही बनाए थे। वहाँ मैंने बाद में मैंने टेम्पलेट लगाने के लिए दूसरा एक एप्लीकेशन ले ली थी, तो मैंने उस पर टेम्पलेट इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो देन उस सूरत में जो है ऐसे इशू आ जाते हैं, बाजू का माइग्रेशन इनेबल नहीं हो रही होती है, तो फिर आप इस तरीके से काम कर ले गए। तो खैर मुझे तो अभी लॉगिन चेक करना है कि मैंने लॉगिन किया वो सही है गलत है, रजिस्ट्रेशन तो मुझे नहीं करनी है, तो मैंने माइग्रेशन के लिए किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने जो टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर जैसे टेबल एडमिन के नाम से जो बनाया है लॉगिन के नाम से, इसके अंदर आके मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और उसको मैं मैच करता हूँ जो मैंने अभी लॉगिन बनाया है, उस कोड को चेक करेंगे। तो मैंने इसमें रिकॉर्ड डाल दिया, जैसे मैंने कहा एडमिन, और मैं पासवर्ड देता हूँ एडी का, ठीक है जी। और इसको हम चेक करते हैं क्या है, मैंने जो पासवर्ड एडमिन दिया वो सही है गलत है। तो फिर हम यहाँ से इसको ले जाते हैं, इसको तो मैंने अभी बनाया था एडमिन कंट्रोलर के अंदर, तो हमने कहा एडमिन, और एडमिन के अंदर मैंने एडमिन लॉगिन के नाम से मेथड बनाया, इसको मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे आके इसको चेक करेंगे, मैंने जो यूज़र नेम दिया है वो मैंने अभी दिया एडमिन, और पासवर्ड दिया एडी का, लॉगिन करता हूँ तो मुझे ले जाएगा डैशबोर्ड पे। अगर कोड मेरा सही निकला तो क्या मुझे डैशबोर्ड पर ले गया, ठीक है जी। मैंने सेशन नहीं बनाया है, तो मैं अगर इसको बैक करूँगा तो मुझे बैक पिछले दोबारा ले जाएगा। इसको भी मैं रोकने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब देखिए बैक भी चल रहा है, फॉरवर्ड भी चल रहा है, या आगे भी जा रहा है, बिल्कुल अलग अजीब सा हो रहा है। तो अगर मैं यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग देता हूँ तो फिर मैंने उस मैसेज को पास नहीं किया। मैं आपको मैसेज भी पास करके दिखाता हूँ कि हम कैसे उस मैसेज को पास करते हैं, वो भी देखिएगा तरीका। तो आपने यहाँ पे जैसे मैंने जो व्यू जो बनाया था मैंने लॉगिन का, एडमिन लॉगिन का, तो उसमें आके हमने एडमिन लॉगिन के व्यू में आना है, और यहाँ मैं उसका रिटर्न मैसेज पास कर लेता हूँ। और मैंने कहा एडमिन लॉगिन, और उसके साथ में यहाँ देता हूँ H3, और मैंने जो नाम दिया था वो M का दिया था, तो हमने कहा रेजर के लिए हमने @ लगाना है, हमने कहा व्यू पैक, और मैंने नाम दिया था वेरिएबल का M के नाम से, मैं उसका यहाँ से रिटर्न ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो अगर यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग होगा तो यहाँ पे रॉन्ग यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे यहाँ पास कर देगा, और अगर यूज़र आईडी पासवर्ड सही होगा तो मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, ठीक है जी। तो हमने एडमिन दिया, पासवर्ड में रॉन्ग देता हूँ या यूज़र आईडी रॉन्ग देता हूँ, दोनों में से कुछ भी रॉन्ग देता हूँ, तो मुझे ये डैशबोर्ड पे नहीं लेके जाएगा बल्कि मुझे यहाँ पे एक मैसेज पास कर देगा। हाँ, मतलब मिस्टेक है, कोई मिस्टेक हुई है कि पासवर्ड भी गलत होने पे भी हमें यहाँ पे ले आया। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू है, उसको सही करते हैं। तो हमने कहा नॉट इक्वल टू नल, तो डैशबोर्ड पे जाए, एल्स नहीं तो ये मैसेज पास करके रिटर्न व्यू कर दे इसने। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और ब्रेक पॉइंट लगा के इसको चेक करते हैं।
अच्छा नल का हमने चेक किया, मे बी उस तो इस वजह से हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह डॉट टू लिस्ट की जगह मैं मेथड चेंज करता हूँ, हमने कहा डॉट सिंगल फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे कहता हूँ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैं ज़ीरो से इसको मैच करता हूँ। अच्छा यहाँ पे रेडमी आई डी से चलिए नॉट इक्वल टू नल को देखते हैं कि किसको क्या मिल रहा था। ब्रेक पॉइंट लगाया, हम इसको देखते हैं। जैसे मैं रॉन्ग जो पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ चेक करते हैं F10 करके, पहली कंडीशन आई तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या जा रही है। नल जा रही है तो ठीक है, ये बाहर आ गया। और रिटर्न व्यू बैंक में आके इसने यूज़र आईडी और पासवर्ड मिले। अच्छा जी सही, इसे होता वैसे मैसेज पास कर दिया। अब जो ये रिटर्न व्यू पे जा रहा है ना, तो बेसिकली उस व्यू पे हमने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ एडमिन लॉग है। तो ये इस वजह से एडमिन का लेआउट हमारे पास आ रहा है, डैशबोर्ड नहीं आ रहा। अब देखिए मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मुझे डैशबोर्ड नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर आ गया। अच्छा अभी सही दे दिया, रॉन्ग यूज़र आई डी और पासवर्ड दे दिया ऐसा, ठीक है जी। और अगर इसको मैं सही देता हूँ, मैंने एडमिन दे ए डी दे दिया, तो इसका मतलब एक कंडीशन इसको मैच हो जाएगी और एक्स की वैल्यू नल नहीं रहेगी। तो जब एक्स की वैल्यू नल नहीं रहेगी तो देन उस सूरत में ये हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखें डैशबोर्ड पे ले आया, ठीक है जी ना। और अगर यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग होता है तो देन उस सूरत में यह आ जाता है। मैं दोबारा इसको चला के दिखा देता हूँ, मैंने ब्रेक पॉइंट हटा दिया, इसको हम दोबारा चला लेते हैं कि आए पहले क्यों उसने वो डैशबोर्ड पे ले गया था। हालांकि एक वजह हो सकती है रिटर्न व्यू पे जा रहा है और उसका जो व्यू है बेसिकली वो है ही एडमिन का लेआउट है, उस पर एडमिन का लेआउट, तो मैंने लेआउट ही तो पास किया हुआ है तो ये लेआउट पे जा रहा होगा। उस वक्त भी मैंने यूआरएल पे चेक नहीं किया कि वो किस पे जा रहा है। तो हम एडमिन के अंदर एडमिन लॉग इन लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आके यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग दे देता हूँ, और हमने यूज़र आईडी रॉन्ग दे दी या पासवर्ड रॉन्ग दे दिया कुछ भी कर दिया, देन उस सूरत में ये क्या करेगा कि हमें जो है वो मैसेज पास कर देगा रॉन्ग यूज़र आईडी पासवर्ड का, ठीक है जी। रॉन्ग यूज़र आईडी का से मैसेज पास कर दिया हमें, ये लेके निकल, लेकिन फर्स्ट टाइम ले गया था तो खैर देखने के लिए कि क्या इशू था, मैं इसलिए ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने। तो यहाँ पर आ गया, तो इस वक्त एक्स की वैल्यू नल इसको मिली, वो यूज़र आईडी पासवर्ड मैच नहीं हुई। और जब मैच नहीं हुई तो देन उस सूरत में एक्स की वैल्यू इसको नल मिल गई, तो इसने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया रॉन्ग यूज़र आईडी पासवर्ड का। और अगर मैंने इसको सही रिकॉर्ड दूंगा तो ये हमें ले जाएगा डैशबोर्ड पे, ठीक है जी। तो यहाँ जैसे देखिए मैं बैक करता हूँ तो दोबारा मुझे पीछे ले जाता है, और अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो फिर आगे लेके जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग है,
गलत है, कोई यूज़र लॉग इन हुआ, कोई लॉग आउट हो गया, तो बैक के बटन करने पे उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो उसको रोकने का तरीका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेम यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि आपने यहाँ पे जो एडमिन लॉगिन बनाया हुआ है, आप इससे पहले तो यहाँ पर आके जब उसका हो जाता है, उसको यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर सेशन क्रिएट करता हूँ। और सेशन मैंने कोई भी नाम रख दिया, जैसे मैंने यू के नाम से रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने कहा वैल्यू देने के लिए हम एक्स के थ्रू भी ले सकते हैं और चाहे तो एल के थ्रू भी ले सकते हैं। हमने कहा एल डॉट और यहाँ पे एडमिन नेम मैं पास कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो मतलब यू के वेरिएबल में जब लॉगिन होया वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम तो उसके पास वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ भी आके चेक कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ अगर हमारे पास, मैं सेशन को चेक करता हूँ और सेशन जो मैंने बनाया यू के नाम से, कि अगर यू जो है वो नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होता तो इसका मतलब है सेशन बना हुआ है, और सेशन बना हुआ है तो इसका मतलब है लॉगिन हुआ हुआ है। जब लॉगिन होगा तो ही सेशन क्रिएट होगा, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो सेशन तो क्रिएट नहीं होगा ना। तो देन उस सूरत में मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अगर लॉगिन हुआ हुआ है और कोई बैक का बटन प्रेस करता है तो उसको पीछे नहीं जाने देना, पिछले पेज पे नहीं जाने देना, उसको डैशबोर्ड पे ही रखना। और अगर नहीं तो हम कहते हैं एल्स, जब अगर नहीं हुआ तो देन उस सूरत में हम यहाँ पे इसको रिटर्न व्यू कर देते हैं। जब मुझे रिटर्न भी दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सब मतलब अगर सेशन नहीं बना हुआ, फर्स्ट टाइम वो आया तो फिर रिटर्न व्यू पे आएगा, और अगर सेशन बना हुआ तो देन उस सूरत में वो क्या करेगा, उसको डैशबोर्ड पे ही रख देगा। हमने यहाँ पे आके स्लैश एडमिन और उसके अंदर हमने एडमिन लॉगिन ले लिया। तो अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम आया तो ये मैं रिटर्न व्यू पे लेकर आया, कहीं और नहीं लेके जाएगा, वहीं पे आकर रोक देगा। और जब मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा तो मैंने कहा AD, तो देन उस सूरत में मुझे जो है वो डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। और अगर डैशबोर्ड पे जाने के बाद अगर मैं बैक का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे ये पीछे लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाने देगा, यहीं पर रोक कर रखेगा। देखिए मैंने बैक का बटन प्रेस किया तो इसने मुझे वहीं पर रोक दिया। तो ये हमें फ़ायदा होता है कि अगर हम इसे लॉगिन को चेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम चूँकि लॉगिन सेशन नहीं बना हुआ तो दूसरी भी रोक देगा, और बाद में जितनी दफ़ा भी आप उसको क्लिक करते रहें ये आपको जो है वो इसी पेज पे ही रखेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कंडीशन मैच की हुई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने लॉगिन का कोड किया है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, पहले आप सबको मेरे बारे में मालूम ही है कि मैं जो है वो कभी भी कोड करने बैठता हूँ, मैं ऑनलाइन काम करने के बाद ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मैं तकरीबन 11 बजे 11:30 फारिग होने के बाद फिर मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मेरे को तैयारी करके या कोड करके नहीं बैठा होता हूँ, तो मैं यहीं पे कोड कर रहा होता हूँ। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो कुछ एरर भी आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करके ऑन द स्पॉट इस एरर को सॉल्व करता हूँ, आपके सामने सॉल्व करता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको भी आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एरर सॉल्व किया जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है, ब्रेक पॉइंट कैसे लगता है, वो भी हमें आइडिया आपको भी हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि आपके सामने एक कोड भी आ रहा होता है, और आप भी जब काम करेंगे तो लाजमत है आपसे भी मैं ऐसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। खैर मिस्टेक नहीं की थी, अब ये फर्स्ट टाइम पे जो उसने जो है वो डैशबोर्ड पे ले गया, तो मैंने गलती से URL चेक नहीं किया था कि URL में क्या आ रहा है। अगर URL में देख लेता तो मैं उसी वक्त इसकी मतलब पकड़ लेता, लेकिन मैं फिर मैंने बंद कर दिया था। तो यहाँ पर आगे मैंने फिर ब्रेक पॉइंट लगाया, लेकिन दूसरी दफ़ा मैं, खैर वो सही हुआ। तो पहली दफ़ा मैं वो गलती से गया है, जो भी है आई डोंट नो ऐसा क्यों उसने हुआ, माइग्रेशन भी नहीं हो रही थी इस एप्लीकेशन में। तो फिर उसका जो दूसरा सोल्यूशन है कि हम डायरेक्ट कंट्रोलर बना लेते हैं, अभी मैंने कंट्रोलर बना लिया, मुझे उस कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको भी यूज़ नहीं करूँगा। मैं कंट्रोलर बनाऊँगा तो मैनुअली बनाऊँगा, तो जो उसने कंट्रोलर बनाया था यूज़र अकाउंट का, इसको हम चाहे तो डिलीट कर देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरीके से इसका जो व्यू बना था हम उसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमने बेसिकली डेटाबेस और टेबल क्रिएट करवाने के लिए बनाया था, और तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसको यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट टाइम पे जो होम का पेज आ रहा था वो भी जैसे होम कंट्रोलर के थ्रू आ रहा था, और होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का भी आ रहा था हमारे पास। और यहाँ पे हमें स्टार्ट में दे जाके देखते हैं तो रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस दिया हुआ है वो भी बेसिकली होम के अंदर इंडेक्स का दिया हुआ है। तो ये अगर मैं चाहता हूँ नहीं हो तो हम होम कंट्रोलर को भी डिलीट कर सकते हैं,
और इसी तरीके से होम कंट्रोलर जब हम डिलीट करते हैं तो इसके हम व्यू को भी डिलीट करना चाहें तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हमें स्टार्टअप पेज के अंदर आगे यहाँ चेंज करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो मैंने जो यूज़र बनाया था, यूज़र कंट्रोलर बनाया था, मैं उसका लिंक दे देता हूँ। हमने कहा यूज़र आ जाए और उसके अंदर यूज़र के अंदर जो मैंने यूज़र कंट्रोलर बनाया था और यूज़र कंट्रोलर के व्यू के अंदर हमने एक तो हमने एडमिन का व्यू बनाया था और एक यूज़र के व्यू के अंदर हमने इंडेक्स का व्यू बनाया, तो इंडेक्स ही पास कर देते हैं। तो अब जब चलेगा तो स्टार्टअप पेज में आपका यूज़र आएगा, होम नहीं आएगा, तो हम कंट्रोलर को भी बना के रिमूव भी कर लें, कोई इशू नहीं होता। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज खुलेगा, स्टार्टअप पेज खुलेगा, वो यूज़र के अंदर इंडेक्स का व्यू खुलेगा। ठीक है जी, आप देखो यूज़र के अंदर इंडेक्स का व्यू खुल गया, ठीक है जी, और वो कोई मैथड कंट्रोलर कुछ भी नहीं आ रहा उसके ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे आके स्लैश करके एडमिन पे जाना चाहता हूँ तो मैं एडमिन के अंदर आके एडमिन लॉगिन पे आना चाहते हैं, जब हम एडमिन लॉगिन पे आएंगे तो हमें ये लॉगिन के पेज पे ले आएगा। ठीक है जी, एडमिन के लॉगिन के पेज पे ले आया। अगर मैं यहाँ से व्यू करूँगा तो फिर बैक पे ले जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ चेक नहीं किया हुआ, तो मैंने सिर्फ इसको भी एडमिन के लॉगिन से बचाना चाहता हूँ, किसी भी बनाना चाहता हूँ। जहाँ पे भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, हम इंडेक्स के व्यू पे चेक कर लेंगे कि अगर इंडेक्स के व्यू के ऊपर कोई आना चाहता है और हम चाहते हैं कि सेशन बने तो ही आए, तो फिर हम वहाँ पे कंडीशन मैच कर लेते हैं। तो वो जब कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो व्यू पे भी जाने देगा, तो स्टार्टअप अपना लॉगिन बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की एप्लीकेशन बनानी हो जिसमें डायरेक्टली लॉगिन ही स्टार्टअप में देना है और जो लॉगिन हो तो ही वो यूज़र अकाउंट में जाए, तो फिर हम देन उस सूरत में इसके इंडेक्स के व्यू पे हम वही कोड कर लेंगे जो भी हमने लॉगिन के हमें किया था, जब हमने सेशन को चेक किया था, तो वो हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से लॉगिन हमारा जो है वो यूज़र का भी बनेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ बनेगा, वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कराऊँगा। तो आप इसके साथ से प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पर काम करें, और अगर कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे पूछें। तो साथ साथ मैं इसमें जो है वो जो मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं मेरी रिकॉर्डिंग साथ से करता रहूँगा। तो इस वक्त भी जैसे 1 बज रहा है तो मैं ये जितना काम कर सकता हूँ मैं साथ से करता रहूँगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।